हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो डॉग ब्रीड के बीच में। एक तरफ आपकी होगी यूरोपियन डोमैन, दूसरी तरफ होगी डच शेफर्ड। अब दोनों डॉग ब्रीड में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जो कि एक वर्किंग लाइन के डॉग ब्रीड लेते हैं गार्डिंग पर्पज से या फिर फैमिली के लिए सोच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए किस सिचुएशन में ज़्यादा सूटेबल बैठेगी और किस में नहीं बैठेगी, जिससे कि आप अपने सूटेबल डॉग ब्रीड ले सको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग की। कौन सी डॉग ब्रीड इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो वहाँ पे दोनों ही डॉग ब्रीड इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है और दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ट्रेनिंग आप खुद से भी देते हो या फिर ट्रेनर हायर करते हो दोनों ही डॉग ब्रीड के लिए, तो आप उन्हें ईजिली ट्रेन कर सकते हो। ये दोनों ही डॉग ब्रीड ईजिली ट्रेन हो जाएंगी, भले आप ट्रेनर हायर करो या फिर खुद से ट्रेनिंग दोगे तो भी आप इजीली इन्हें ट्रेन कर सकते हो। दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं मांगेगी ट्रेनिंग कराते हुए। अब हम बात करते हैं दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड कम एग्रेसिव है दूसरे एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉइंट निकल आता है। अगर कई बंदे फार्म के लिए डॉग ब्रीड देख रहे होते हैं, फिर घर के लिए डॉग ब्रीड देख रहे होते हैं गार्ड डॉग, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है ये। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूरोपियन डोबरमैन कंपेरेटिवली दूसरे एनिमल्स के लिए ज़्यादा एग्रेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू डच शेफर्ड। डच शेफर्ड फिर भी दूसरे डॉग्स के साथ दूसरे एनिमल्स के साथ ईजिली घुल मिल जाएगा, लेकिन जो यूरोपियन डोबरमैन होता है प्योर यूरोपियन डोबरमैन, वो अपने ही लाइन के साथ ज़्यादा खेलना कूदना पसंद करता है। अगर दो यूरोपियन डोबरमैन मिल गए तो वो साथ में भले कोई और डॉग ब्रीड भी क्यों ना हो, वो उसके इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ होती है। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, हमने ये चीज़ विजुअली देखी है कि ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दोनों ही डॉग ब्रीड को ईजिली रख सकते हो, बचपन से सोशलाइज करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि डच शेफर्ड को आपको सोशलाइज करना नहीं पड़ेगा, दोनों ही डॉग ब्रीड को आपको सोशलाइज करना पड़ेगा। दोनों ही डॉग ब्रीड एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर और दोनों ही डॉग ब्रीड में कन्फ्यूज हो तो दोनों ही डॉग ब्रीड आपके लिए तो सूटेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप फिर भी इन डॉग्स की तरफ जाना चाहते हो तो आप किसी एक एक्सपीरियंस डॉग ओनर की बात ज़रूर मान लेना, एक बार ही उनसे सलाह मशवरा कर लेना, जिससे कि आपको अंदाज़ हो जाए कि डॉग ब्रीड आपके लिए सूटेबल रहेगी भी या नहीं रहेगी। क्योंकि कई बंदे शौक के तौर पर तो ले आते हैं, लेकिन बाद में उनसे वो डॉग संभलता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो कि बात सही नहीं है। अगर आप उस डॉग के लिए तैयार हो तो ही लेके आओ, तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख लेना। बाकी अगर बच्चों के साथ रखने की बात आती है तो यहाँ पे आप दोनों ही डॉग को ईजिली रख सकते हो। लेकिन डोबरमैन के कई बार आपको केसेस सुनने को मिले होंगे कि डोबरमैन ने बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया। डोबरमैन कंपेरेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड है, जिसके चलते कई बार उस पर ये सब सुनने में आ जाता है। लेकिन डच शेफर्ड इस मामले में भी अच्छी है, अगर आप उसे बचपन से सोशलाइज करा दो, बच्चों के साथ रखते हो, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले आप डच शेफर्ड रख लो या यूरोपियन डोबरमैन रख लो, लेकिन यहाँ पे एक कंपेरेटिवली एज मिल जाता है डच शेफर्ड को। अब हम बात करते हैं दोनों डॉग ब्रीड में से गार्डिंग पर्पस के लिए कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा बेस्ट रहेगी। देखो, यहाँ पे गार्डिंग पर्पस के हिसाब से दोनों ही डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दोनों ही डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह बेस्ट भी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात आती है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है गार्डिंग पर्पस के हिसाब से, कि आपको एक प्रॉपर हार्डकोर गार्डिंग डॉग ब्रीड चाहिए जो कि आपके घर में खाली गार्डिंग काम करे, या फिर आपको एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड चाहिए। तो यहाँ पे ये दो सिनेरियो निकल के आ जाते हैं आपके लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं गार्डिंग पर्पज से, प्योरली गार्डिंग पर्पज से, तो यहाँ पे दोनों ही डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा अच्छी चॉइस साबित होगी। लेकिन अगर फैमिली की बात आ जाती है फैमिली के साथ रखने के लिए, तो डच शेफर्ड कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा यूरोपियन डोबरमैन से। दोनों ही डॉग ब्रीड की हाई ड्राइव होती है, आपको एक्सरसाइज दोनों ही डॉग ब्रीड को प्रॉपर करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है भले आपने डच शेफर्ड ले लिया आप उस एक्सरसाइज नहीं करा रहे, या फिर आपने यूरोपियन डोबरमैन ले लिया आप उस एक्सरसाइज नहीं करा रहे। दोनों ही डॉग ब्रीड के लिए एक्सरसाइज मस्ट है, इनके लिए दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। अगर आप सिटी टाइप में रहते हो, अगर आपका पूरा फार्म हाउस है उसकी गार्डिंग पर्पज से ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गार्डिंग के लिए घूमते फिरते अपनी एनर्जी बर्न कर लेंगे। क्योंकि ये वर्किंग डॉग ब्रीड है, ये काम करना पसंद करते, घर में रहना पसंद नहीं करती, आप इस चीज़ को ज़रूर समझना। अगर आप डच शेफर्ड लेना चाह रहे हो या यूरोपियन डोबरमैन लेना चाह रहे हो, तो पहले आप वर्किंग लाइन को समझ लें कि वर्किंग लाइन क्या होती है, और वर्किंग लाइन के ही चलते यूरोपियन डोबरमैन अलग है अमेरिकन डोबरमैन से। अगर आपको घर में पालने के लिए चाहिए, कि आपको ज़्यादा छोटा घर है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता अपने डॉग को देने के लिए, तो आप अमेरिकन लाइन की तरफ चले जाओ। लेकिन यूरोपियन लाइन जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा आपसे टाइम मांगती है, आपके ट्रेनिंग मांगती है, सोशलाइजेशन करवाना मांगती है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स अलग हो जाते हैं, जो कि एक
अमेरिकन डोमेन और एक यूरोपियन डोमेन के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं कि दोनों ही डॉग ब्रीड एक सेपरेट डॉग ब्रीड है जो कि वो एक्चुअली हैवी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझना और फिर आप लोग डिसाइड करने के आपको कौन से डॉग की तरफ जाना चाहिए। बाकी दोनों ही डॉग ब्रीड अभी भी जाएँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोनों ही डॉग ब्रीड अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। कई बंदे सोच रहे होंगे कि हम अपार्टमेंट में रख लेंगे, अपार्टमेंट के लिए डॉग ब्रीड बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इन दोनों ही डॉग ब्रीड को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इन्हें घर में स्पेस दे सकते हो तो ही आप इन डॉग की तरफ जाना, अदरवाइज ये डॉग आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये घर में स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है इन डॉग्स को, भले आप बाहर से कितने भी कोशिश कर लो। अगर आप इन्हें वॉक पे ले जा सकते हो दिन में 2 से 3 बारी लंबी लंबी वॉक पे, तो आप एक बारी को अपार्टमेंट में रखने की सोच सकते हो। और उसके बाद भी आपको इसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। दिन में से 4 से 5 घंटे आपको एक पर्टिकुलर डॉग के साथ आपको एक्सरसाइज प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग, इतना टाइम तो उसकी इस चीज़ में लगेगा। इसके बाद आपको डॉग का ध्यान भी रखना होगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो आप डच शेफर्ड या फिर यूरोपियन डोमेन लेके आ सकते हो अगर आपको वैसे पालना है। ये था बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप इन दोनों डॉग ब्रीड में कंफ्यूज हो तो मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली डच शेफर्ड आपके लिए एक बेटर चॉइस साबित होएगी कई केसेस के अंदर, और कई केसेस के अंदर नहीं होएगी। वो डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या निकल के आती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट में डच शेफर्ड फिट बैठते तो आप डच शेफर्ड की तरफ चले जाओ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में यूरोपियन डोमेन फिट बैठते तो आप यूरोपियन डोमेन की तरफ चले जाओ। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस डॉग की तरफ जाना है और किसकी तरफ नहीं जाना। दोनों ही डॉग ब्रीड का शॉर्टकट होने के चलते इन्हें आप हॉट क्लाइमेट में इजीली रख सकते हो, लेकिन ठंडे क्लाइमेट में रखते हो आप इन्हें कपड़े जरूर पहना दें, इन्हें ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो रफ एंड टफ डॉग ब्रीड है, इनके हेल्थ इशू भी ज़्यादा नहीं होते और ग्रूमिंग भी ज़्यादा नहीं है। दोनों ही डॉग ब्रीड ईजी टू ग्रूम है और इनमें हेल्थ इशू भी ना के बराबर होते हैं, तो जिससे कि आप इन्हें ईजीली रख सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन दोनों ही डॉग ब्रीड का अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो वो मोस्टली 50-60,000 प्लस से ही स्टार्ट होता है। इससे कम के अंदर आपको कभी भी यूरोपियन डोमेन या फिर डच शेफर्ड मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जो बंदे आपको बोलते हैं कि भाई 30-40,000-45,000 के अंदर आपको एक यूरोपियन डोमेन प्योर पपी दे देंगे, वो बेसिकली आपको झूठ बोल रहे हैं। वो 60-70 वाला होता है जो कि आपको ईजिली मिल जाता है 20,000 में भी या 25,000 तक में भी। उसके अंदर भी क्वालिटी मैटर करती होगी, तो इसके चलते वो शायद ये चीज़ बोलते हैं कि आपको 45-40,000 का मिलेगा। लेकिन जो प्योर यूरोपियन होगा डोबरमैन, वो आपको 50,000 से ऊपर से ही स्टार्ट होगा, अंडर में नहीं मिल सकता। इस चीज़ को आप ज़रूर समझ के चलना अगर आप इन दोनों डॉग ब्रीड में कंफ्यूज हो कि प्राइस भी इनमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और क्या क्या प्राइस रेंज में आपको ये डॉग मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आप अभी तक यहाँ पे हो तो कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड विनर है, आपको क्या लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी डॉग ज़्यादा सूटेबल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।